हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी स्टडी हब। स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द पाइनियर क्लासेस द्वारा रिलीज किए गए मॉक टेस्ट 2 के बारे में। अगर बात करूं द पाइनियर क्लासेस की मॉक टेस्ट 2 की, तो ये हेल्ड किया गया है आज यानी कि 3 अक्टूबर 2021 को। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मॉक टेस्ट 2 की आंसर की को। अगर आप लोग भी द पाइनियर क्लासेस के मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंत में मैं पर्टिकुलर द पाइनियर क्लासेस के एड्रेस के बारे में बताऊंगा और साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह अपने आप को एनरोल कर सकते हैं द पाइनियर क्लासेस के मॉक टेस्ट को देने के लिए। बट बिफोर वी गो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द पाइनियर क्लासेस मॉक टेस्ट 2, जो कि आपका स्पेशली तैयार किया गया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप इस मॉक टेस्ट में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे एड्रेस की बात करूँ फ्रेंड्स, यहीं पे एड्रेस दिया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप सभी भी पाइनियर क्लासेस के अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला जो मॉक टेस्ट है वो हेल्ड होगा 5 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर को तीसरा मॉक टेस्ट जो इसका हेल्ड होने वाला है। हमारा जो ऑफलाइन एड्रेस है द पाइनियर क्लासेस का, वो है रोहतांग बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, नियर फूड कोर्ट, ढालपुर कॉम्प्लेक्स, कुल्लू। ठीक है, आप पर्टिकुलर इस एड्रेस पे आके या फिर इन पर्टिकुलर नंबर्स पे हमको फ़ोन करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। डोंट नीड टू बी वरी, अगर आप आउट ऑफ कुल्लू हो तो आप इन पर्टिकुलर नंबर पे, किसी भी नंबर पे फ्रेंड्स आप हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप करके इन टेस्ट सीरीज को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन पर्टिकुलर नंबर पे हमसे फ़ोन करें। बाकी क्या इस टेस्ट सीरीज का प्राइस रहेगा, जो भी प्राइस रहेगा, हम आपको बाकी आपसे व्हाट्सएप पे या पर्टिकुलर जब हम आप हमें मैसेज करेंगे उस पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आंसर की को। तो यहाँ पे रहा मॉक टेस्ट 2, टेस्ट आईडी जिसकी 002। तो 75 जैसे कि टाइमिंग आई होप आपको पता होगी रहती है, और आपके 75 मिनट्स की, और 85 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड का मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था मॉक टेस्ट 2 में, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लियरेंस का दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एज अ डियर। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को साइंस सेक्शन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजाडी रकेटा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अजाडी रकेटा का आपने बताना था जो इंडिका, साइंटिफिक नेम इसका क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, नीम का ये साइंटिफिक नेम है अजाडी रकेटा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें डाला था कि मेडुला ओबिलोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बताना था गिवन में कि मेडुला ओबिलोंगेटा इनमें से किसका पार्ट है, ये पार्ट है ब्रेन का, तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड वाई, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई है। तो बैक्टीरिया की खोज की गई है ऑप्शन ए, एंटोनियो वैन ल्यूना हुक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि स्कर्वी जो कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी के कारण आता है, तो ये आता है विटामिन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कि पल्सिस आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। दालों के बारे में आपने बताना था कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, सभी प्रकार की जो दालें ये होती है प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कि पौधा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पौधे की जो कोशिका भित्ति ये बनी होती है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा था द स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। स्टडी ऑफ फंजाई जानी जाती है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचते हैं। प्रोटीन के बारे में इसमें पूछा था कि सबसे पहले प्रोटीन कहाँ पे पचते हैं, ये पचते हैं आपके ऑप्शन ए स्टमक में, ऑप्शन बी स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की आपने फुल फॉर्म इसमें बतानी थी, तो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन बाय वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, पक्षियों के द्वारा जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ऑप्शन डी ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली है स्टडी भी पक्षियों की। नेक्स्ट विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन, कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, जो प्लांट हार्मोन है ये कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन में ज़्यादा इसमें बढ़ावा देता है। नेक्स्ट स्पॉन्डिलाइटिस जो कि एक बीमारी है, इसमें पूछा था कि ये किस अंग को प्रभावित करती है या फिर किसे प्रभावित करती है, स्पॉन्डिलाइटिस ये प्रभावित करती है आपके वर्टिब्रल कॉलम या फिर मेरुदंड को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था द रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ट्री, रबर किस पेड़ से प्राप्त होती है, रबर के बारे में कि कौन सा वो पेड़ है जिससे ये प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए फिकस इलास्टिका, फिकस इलास्टिका से रबर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा गया था द मस्कुलर डायफ्रगम ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपलीज, आंख का पेशिया डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वह है, तो उसमें ये होता है आयरिस जो कि कंट्रोल करता है नियंत्रण करता है पुतली के आकार को। नेक्स्ट जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अदरक का आपने उदाहरण देना था कि अदरक इनमें से क्या है, अदरक एक राइजोम है प्रकंद। नेक्स्ट विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, कि ब्रिशन से कौन सा हार्मोन निकलता है, ब्रिशन या फिर टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, सो ऑप्शन ए इज बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट विच ट्री इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इनमें से आपने बताना था कि वह कौन सी ट्री है जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन गिवन ऑप्शन थे, इसमें से राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स फ्रॉम, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताना था इसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया है 11 दिसंबर 1997 या फिर 11 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉफ्ट वुड इज प्रेजेंट इन, कि सॉफ्ट वुड डैश में पाई जाती है, सॉफ्ट वुड ये पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में, सो ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत जीवी जो होते हैं उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द वेजिटेशन विच ग्रो मोस्टली इन साल्टी एरिया आर कॉल्ड एज, कि वनस्पति जो ज़्यादातर नमकीन क्षेत्रों में उगती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए हेलोफाइट्स या फिर लवण मृदोमिद। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री इन द ईयर, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारे देश में कब लागू किया गया था, इसे लागू किया गया था 1986 में, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन था आपके पास द नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है, इनमें से आपने बताना था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा परितंत्र है हाइड्रोस्फेयर या फिर जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है, इसमें राइट आंसर रहेगा गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बिल्कुल सही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद बिश्नोई मूवमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़े थे, गिवन ऑप्शन में से आपने बताना था इसमें कि कौन से निम्नलिखित में से है जो बिश्नोई मूवमेंट से जुड़े थे, उनका नाम है अमृता देवी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द साइंस डीलिंग विद
सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है, मिट्टी से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है पेडालॉजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ से आपका फिजिक्स का सेक्शन शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ डज अ रॉकेट वर्क, निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम पर रॉकेट कार्य करता है। आपके ऑप्शन है मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा राइट मेरे पढ़ने से पहले। तो लीनियर मोमेंट के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर काम करता है आपका रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपसे पूछा गया था, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन टूवर्ड बिकॉज ऑफ, जब दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से, इनिशिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनिशिया ऑफ मोशन की वजह से या फिर इम्पल्स की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनिशिया ऑफ मोशन की यानी कि गति का जड़त्व के कारण फ्रेंड्स क्या होता है कि जब दौड़ती हुई कार अचानक से रुकती है तो यात्री जो होते हैं वो आगे झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 30, वी स्लिप ऑन अ मडी रोड ड्यू टू, हम कीचड़ वाली सड़क पर फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, बी रिलेटिव वेलोसिटी, सी लैक ऑफ फ्रिक्शन या फिर डी एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का अगेन ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा लैक ऑफ फ्रिक्शन। लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से यानी कि घर्षण की कमी के कारण यहाँ पर हम जो है स्लिप हो जाते हैं कीचड़ वाली सड़क पर। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट कर रहे हो तो कृपया इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। आपको यहाँ पर फॉरेस्ट के एग्जाम से यहाँ पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो अपने टेस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आप जैसे तैयारी कर रहे हैं क्या उस तरह के टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैव टाइम पीरियड्स ऑफ रोटेशन, एक जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो उसके जो घूमता है ना, रोटेशन करता है, तो उसकी समय विधि होती है। ऑप्शन ए 8 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर या 24 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी 24 आवर, यानी कि जो रोटेशन हमारी अर्थ की रहती है उसी रोटेशन के साथ साथ आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी घूमता है। काफ़ी सिंपल सा और कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए लो प्रेशर, लो डेंसिटी, लो विस्कोसिटी या फिर ऑप्शन डी लो टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि लो डेंसिटी के कारण जो है फ्रेंड्स आपके जो क्लाउड्स हैं वो आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो लो डेंसिटी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया है, इफ अ क्लाउड बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून इट विल, ठीक है। आपके ऑप्शन है बिकम स्लो, बिकम फास्ट, स्टॉप वर्किंग या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिकम स्लो, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अगेन इसमें आपसे पूछा गया है, अ डिवाइस विच इज यूज इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। एक उपकरण जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे रेसिस्टर कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं या फिर ऑप्शन डी इंडक्टर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसका, कैपेसिटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन, देयर बाय विच रेज डज इट एमिट। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकर्ण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है, यह कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए बीटा रेस, ऑप्शन बी अल्फा रेस, ऑप्शन सी गामा रेस या फिर ऑप्शन डी पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर जो 35 है इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, गामा रेस को जो है ये कोबाल्ट 16 जो आपका उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें आपसे पूछा गया है, विच मिक्सचर ऑफ गैसेस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ N2 और O2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और पानी या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 36 का वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 4, 2, 6 या फिर 1।
आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, दो इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38, विच एसिड इज यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HCI यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो होगा ऑप्शन ए ऑक्सलिक एसिड का यूज किया जाता है कपड़ों में जब भी जंग लग जाती है आपके, ठीक है, उसके धब्बे को मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपसे पूछा गया है गैस वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है? ऑप्शन ए H2 प्लस O2, CO प्लस H2, H2O प्लस CO2, या फिर ऑप्शन डी O2 प्लस H2O2। तो उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी CO प्लस H2 जो होता है वो मिक्सचर होता है वाटर गैस का, ठीक है, इसके अंदर मिक्सचर होता है वाटर गैस के अंदर मिक्सचर होता है फ्रेंड्स CO प्लस H2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी देख रहे होंगे आप CBDB, इसको आप खुद स्टडी कर लें फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी B3N3H6 जो होता है वो ये आपका एक इनऑर्गेनिक बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 41 को अगर मैं डिस्कस करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर कैप्ट सबमर्ज इनटू वाटर, निम्न में कौन धातु पानी में डूबा कर रखी जाती है? ऑप्शन ए वाइट फॉस्फोरस, ऑप्शन बी रेड फॉस्फोरस, सल्फर, या फिर आयोडीन। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन ए वाइट फॉस्फोरस को जो है हम पानी में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द स्कूल बेल्ट इज मेड ऑफ मेटल बिकॉज इट, स्कूल की घंटी की जो घंटी की धातु होती है वो बनी होती है किस धातु से बनी होती है फ्रेंड्स ये बताना आपने मेरे को। आपके ऑप्शन है सोनोरस कंडक्टर, ठीक है, या फिर डक्टाइल, या फिर ऑप्शन डी मेलिएबल। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, ये होगा ऑप्शन ए सोनोरस की ये बनी होती है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ मेटल कॉल्ड द मेटल एलिमेंट्स, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वैलेंसी, नंबर ऑफ लोन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, या फिर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है वैलेंसी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपका हिंदी का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपने मुझको ज्योत्सना की। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को आप नोट कर लीजिए, आपका राइट जो वर्ड होगा ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी वो होगी ऑप्शन डी ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 45, श्वास के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 2, 3, 1, या फिर 4? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, दुशासन का सही संधि विशेष है, अगेन ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है और इसका राइट आंसर जो है 46 का वो होगा ऑप्शन डी, दु उसके बाद ये आपके दो कॉलम उसके बाद प्लस शासन आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ 47 की, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, जा का, ठीक है, ईशा का, आ का, या फिर इया का? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47, ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आ इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा सी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन 48, कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो गिवन ऑप्शन दिया आपको चार, अनुरूप, भरपेट, सप्त सिंधु, या फिर यदेष्टा। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सप्त सिंधु जो है आपका वो उदाहरण नहीं है अवयवी भाव का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन 49, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन उत्कीर्ण, अवकर्ष, उत्कृष्ट, या फिर अपकर्ष। तो इसका जो विशेषण होगा फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन का उत्कर्ष का इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी उत्कृष्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी पे आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 50, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, ठीक है, प्रेम शब्द क्या है फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामेटिकली देखते हैं विशेषण है, अवयव है, क्रिया है, या फिर भाववाचक संज्ञा है? आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, अगर आप हिंदी भी प्रेम से पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जानते होंगे। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, है ना, ये भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है ये। क्वेश्चन नंबर 51, शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, या फिर पिनाक? तो 51 का राइट आंसर आई होप आपको आता होगा, तो 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, पिपासु कहा जाता है भोलेनाथ शिव को, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है फिसल पड़े तो हर गंगे, ठीक है, आपने मुझे इसका मीनिंग बताना है, एक समय में दो काम करना, मुहावरा है ये, हानि उठाना,
विपत्ति पड़ने पर ईश्वर को स्मरण करना या फिर मजबूरी में काम करना। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मजबूरी में काम करना। आप भी फ्रेंड्स मजबूरी में शायद क्या पता स्टडी भी कर रहे होंगे पेपर को निकालने के लिए, तो आप भी मैं बोल सकता हूँ कि फिसल पड़े तो हर गंगे, ठीक है। बट आई होप ऐसा ना हो, ऐसा उल्टा हो, आप स्वयं अपनी इच्छा से ठीक है स्टडी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप जल्दी नौकरी लगे या फिर इस टारगेट को अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरी तो ऑल दी बेस्ट आपके साथ है, बट आपको बस थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना है, ठीक है। थोड़ा सा और हार्ड वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और द पाइनियर क्लासेस को अगर आप परचेज करना चाहते हो मॉक टेस्ट को, तो अगेन एक बार फिर से कहूँगा 5 तारीख को अगला मॉक टेस्ट हेल्ड होने वाला है। आप 5 तारीख को जरूर अपने आप को एनरोल करें, 4 तारीख तक अपना एनरोलमेंट कर दे, 5 तारीख को भी आप एनरोल कर सकते हैं अपना खुद को 10 बजे से पहले पहले, ठीक है। पर्टिकुलर नंबर आपको दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, डिस्कस किए हैं, लास्ट में मैं वीडियो में बता दूंगा, आप उन पर्टिकुलर नंबर पे हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, मिथ्या का विलोम शब्द है, मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा, सत्य, झूठ, असत्य या फिर अभद्र। 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्य जो है मिथ्या का विलोम शब्द है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंग्लिश सेक्शन क्वेश्चन नंबर 54 से, फिल दी ब्लैंक, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, हिज ड्यूटी, देयर ड्यूटी, वॉन्स ड्यूटी या फिर ओन्स ड्यूटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वन मस्ट डू वॉन्स ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फाइंड आउट नाउन, आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने मुझे बताना है इनमें से नाउन क्या है, हैप्पियर, ब्यूटीफुल, गोल्डन या फिर विजडम। तो फ्रेंड्स हैप्पियर, ब्यूटीफुल, गोल्डन ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं ये आपके एडजेक्टिव हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजडम जो है यहाँ पर नाउन है। कौन सा नाउन है, अब्जेक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, आपको गिवन सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने यहाँ पर एरर को फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है, 3 चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे, नो एरर। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको गिवन 4 स्टेटमेंट दी गई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट है 3 चिल्ड्रन, सेकंड है डाइड इन ए बस, थर्ड है एक्सीडेंट यस्टरडे और फोर्थ है नो एरर। तो आपने पर्टिकुलर बताना था इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकली ये सारी करेक्शन है, पास्ट का ये टेंस है, यस्टरडे यूज हुआ है, डेफिनेटली सब कुछ ठीक है। तो ऑप्शन डी आप क्लिक करेंगे, नो एरर, ठीक है। सारा का सारा जो सेंटेंस है 56 का, 3 चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे, ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल, और सी ऑप्शन है आपका नो, सॉरी डी ऑप्शन है नो एरर। अगेन इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, आपका गोल्ड इज यूजफुल के साथ फ्रेंड्स आर्टिकल ए आता है, ना कि एन, ठीक है। तो फर्स्ट के पार्ट में ये भी गलती है, और सेकंड गलती की बात करें मैं मेंटल या मेटल आना था, तो गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिसने किया वो भी ठीक होगा, सी भी ठीक होगा। लेकिन बेसिकली देखा जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेटल ही करना था, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ है। लेकिन इसका जो कॉमन एरर अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा। आप इसको आर्टिकल के रेफरेंस से देखिए तो यहाँ पे आर्टिकल ए आता है, ठीक है। स्पेलिंग के अगर आप एक्सेप्ट से ना देखें तो इसका आंसर बी ठीक होगा। पर जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ऑप्शन सी कर रहे होंगे तो उनका भी राइट आंसर यहाँ पे हम ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, चूज दिस सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, आपने सिमिलर मीनिंग बताना है बिजी का, एक्टिव, क्वाइट, सिक्योर या फिर बोल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एक्टिव, बिजी का जो आपका सिमिलर वर्ड होता है वो होता है आपका एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, आपने अपोजिट वर्ड बताना है कंसाइस का, अब किस ऑप्शन है रॉन्ग, स्मूथ, प्रसाइस या फिर वर्डी। तो फ्रेंड्स कंसाइस होता है काफ़ी कम अमाउंट में, काफ़ी कम जब आप किसी भी कहते हैं ना आपको कसम, हम भी आपको क्लास में बोलते रहते कि कंसाइस वे में स्टडी करो। तो कंसाइस मतलब होता है आप शॉर्ट, जितना शॉर्ट अपने नोट्स बना सको, शॉर्ट स्टडी कर सके, उसे बोलते हैं कंसाइस, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा वर्डी, जो काफ़ी लेंथ में हो, ठीक है। वर्डी शब्द जो है इसका मतलब होता है आप काफ़ी जो है लेंथ में वर्ड्स को लिखते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना था, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड का, फियर ऑफ वाटर का। तो कभी जो पर्सन वाटर से डरता है, जिसे डर होता है वाटर का, उसे क्या कहा जाता है, ओमनीपोटेंट, हाइड्रोफोबिया या फिर जैनोफोबिया या फिर ऑप्शन डी हैजियोफोबिया। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोफोबिया। इसी वर्ड को आपका एक्वाफोबिया भी कहा जाता है, ठीक है, एक्वाफोबिया भी से कहा जाता है, तो आप इसमें गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इडियम, सॉरी इडियम का बताना आपने, आपके पास एक इडियम है जिसका वो है आपका ए बीटर पिल, है ना। अब बीटर पिल किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए नक्सेसरी को, ठीक है, या फिर अनप्लीसेंट को, जोयस को या फिर डिफिकल्ट को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, अनप्लीसेंट सिचुएशन को भी कहा जाता है आपका अ बेटर पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग, ऑप्शन ए इन टू इन ऑन या फिर फोर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इन, माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपसे पूछा गया है, इट इज डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमी कैंप, ठीक है, थ्रू ऑन इन या फिर इन टू। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी,
इनटू, ठीक है, इनटू इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। एंटर, क्योंकि फ्रेंड्स इनटू कभी भी मोशन के साथ आप कहीं एंटर करते हो तो उसके लिए आप इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो एंटर खुद में एक मोशन की बात करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इनटू, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे फिट भी नहीं बैठ रहे हैं, इट इज़ डेंजरस टू एंटर इनटू द एंट्री कैंप, यहाँ पे ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी के स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश का। हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन दी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है धामी आंदोलन के नेता कौन थे। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे चार, स्वामी परमानंद, महात्मा गांधी डेफिनेटली, लाला हरदयाल, या फिर ऑप्शन डी भागमल सोटा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी भागमल सोटा इसके राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँ, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बैजनाथ, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, महासुनहान लोकग्राम या फिर किरग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 का ऑप्शन डी, किरग्राम जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 66, इसमें आपसे पूछा गया है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण जो गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मौजूद है। आई होप आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्लू। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का आपने मुझे नाम बताना है। आपके ऑप्शन लाहौल, रेंज, स्पीति, कांगड़ा, ऊना या फिर शिमला, तो इसका राइट आंसर होगा, आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जियोग्राफिकली लाहौल स्पीति काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बात जब आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की या फिर जनसंख्या घनत्व की, तो उसमें सबसे कम जो स्क्वायर आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसमें लाहौल जो डिस्ट्रिक्ट है नंबर वन पे है, तो लाहौल एंड स्पीति 67 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 68, यहाँ पे आपसे हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल का, आपने मुझे नाम बताना है इसराइल का, तो इसराइल के जो करंट में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है फ्रेंड्स आपका अभी रिसेंटली चेंज हुई है जुलाई में, इसका राइट आंसर है नफ्ताली बेनेट। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पर फाइनली हरा के यहाँ पर बने हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे, आपने मुझे नॉर्वे की राजधानी का नाम बताना है। आपको क्वेश्चन स्कॉटलैंड, बर्लिन, नूर सुल्तान या फिर ओस्लो, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी ओस्लो, उसका इसका राइट आंसर रहने वाला है। बात करूँ स्कॉटलैंड की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खुद में एक कंट्री है अगेन। नेक्स्ट बात करूँ बर्लिन की, बर्लिन जो कैपिटल है वो है जर्मनी की। नूर सुल्तान की बात करूँ तो ये आपकी कैपिटल है कजाकिस्तान की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे आपका ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है वो बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति की, आर्टिकल 61, 62, 63 या फिर 65, तो इसका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 70 का फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन सी, 63 आर्टिकल के अंदर बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, अगेन आपके पॉलिटी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के या भारतीय संविधान के किस भाग को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को या फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 को। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, पहले एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था, किस कंट्री में किया गया था, आपने मुझे ये भी बताना है साथ में, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड हुई थी वो कौन सी कंट्री में हुई थी और कौन से प्लेस पे हुई थी, क्लियर है। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ साल पूछा गया है, आपके क्वेश्चन 1951, 62, 68, 70, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 में फर्स्ट एशियन गेम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला गया इस टेस्ट सीरीज में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई साहब ये जो आपका एशियन गेम्स है ना ये कहाँ पे हेल्ड हुई है आपकी, ठीक है, आपने मुझे उस कंट्री का नाम बताना है और लोकेशन का भी नाम बताना है जहाँ पे हेल्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 73, 24 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है, 24th January सेलिब्रेटेड एज अ इन इंडिया स्पेशली, है ना। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय ई शासन दिवस, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय दिवस, है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, नेशनल जो आपका 24th January सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो इसको आपने याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूँ, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आर्ट जो आपका ये फेयर है फेस्टिवल है ये आपका कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो अगर आपको पता होगा सूरजकुंड कहाँ पे लोकेट करता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंड्स फेयर है, ठीक है, आर्ट के लिए काफ़ी फेमस फेयर है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा, तो उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी, हरियाणा इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है, फ्रेंड्स रिसेंटली आपका कोविड 19 चला हुआ है लेकिन मैं फिर से एक क्वेश्चन स्वाइन फ्लू से पूछ लिया यहाँ पर,
तो स्वाइन फ्लू बीमारी का आपने मुझे बताना है कि किसके कारण होती है, प्रोटोजो के कारण होती है, वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर मशरूम जिसे हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुता, माय गॉड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 75 का, स्वाइन फ्लू आई होप एक वायरस है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर रहेगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो कोविड 19 है ना ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजो से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या फिर मशरूम की वजह से आपने मुझे, या फिर फंजाई, ठीक है, पाँच ऑप्शन दे देता हूँ मैं, आपने मुझे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आगे आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, क्लियर है। तो मैथ को अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े, मैं पे राइट यहाँ पे सीधा आपका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप खुद से इसको ट्राई करें, मेरी वीडियो पॉज करें, फिर आंसर को निकालें, फिर यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है, सिंप्लीफाई 22 प्लस ब्रैकेट में 50 माइनस 22, अगर आगे ब्रैकेट बंद, 32 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू किसके समान होगा ये, तो इसका जो राइट आंसर है 76 का फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, 76 का ऑप्शन बी यानी कि 46 राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपने 46 इसका आंसर निकाला है तो आप बिल्कुल राइट हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। आपने मुझे बताना है कि 9 के प्रथम गुणजों का एवरेज क्या होगी, 20, 27, 28, 30। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करें। और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का, वो भी रहने वाला ऑप्शन बी, 27 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड द एस सी एफ ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। अगेन एस सी एफ इनके आपने यहाँ पर हाइस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है इन चारों नंबर का, इस सीरीज का, इसको अटेम्प्ट करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 78 का, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1/60 का जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम ए कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, आपने एक छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है जिसको, जिससे 200 को गुना किया जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके ऑप्शन है 3, 4, 8 और 6, आप इसे भी ट्राई करें। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 का, वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका 8 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यहाँ पे आपको फाइंड करने को दिया गया, अगर ए बी सी की वैल्यू, अगर आपके पास अपने ए बी सी को फाइंड करना है ना, अगर आपको ए बी दिया है 3, 4 और बी सी दिया है 7, 9, तो आपने मुझे ए बी सी को फाइंड करके बताना है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा, आप इसे मेरी वीडियो को पॉज करें, आराम से अटेम्प्ट करें, फिर इसका आंसर आप बताएं, फिर आगे मेरी वीडियो को देखें। तो 80 का अगर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी, 21, 28 और 36 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 81, तो ये आपका क्वेश्चन एज और उससे है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81 में, द एज ऑफ फादर इज 8 times टू हिज सन बिफोर 7 ईयर, नाउ द एज ऑफ फादर इज 4 times टू द एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 8 गुना थी, अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना हो चुकी है, तो आपने मुझे प्रेजेंट में आयु बतानी है सन की। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर 7 निकल जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, है ना, 7 ही निकलेगा। ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट करें, अगर आपको ऑप्शन 7 आ रहा है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 82, जहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक आदमी की आय 25% कर का भुगतान करने के बाद 7500 रुपये है, आय का आपने मुझे बताना है कि उसकी इनकम क्या है, फिर अगर वो 25% जो है टैक्स पे करने के बाद भी उसकी सैलरी बचती है 7500 रुपीज़, तो उसकी प्रेजेंट इनकम क्या होगी। ठीक है, तो 82 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके पास ऑप्शन सी, 82 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 10,000। अगर किसी पर्टिकुलर, देखो 25% पे करने के बाद अगर उसको 7500 बचता है, इट मींस 7500 क्या होगा, 75% होगा, तो रिमेनिंग आपने 25% निकालना है, तो 75% अगर आपके पास, जब आपके पास 7500 है या कि 7500 है, तो उसका अगर आप 100% करोगे तो डेफिनेटली 10,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83, अ मैन कैन कवर अ स्ट्रीट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग इन 24 सेकेंड, 600 मीटर लॉन्ग इन 24 मिनट्स, फाइंड दिस स्पीड। एक आदमी 24 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को कवर कर सकता है, तो उसकी गति क्या होगी। अगेन सिंपल क्वेश्चन, आप इसमें फार्मूला लगाए स्पीड का, है ना, स्पीड ही फाइंड करनी है अपने। तो 83 का जो राइट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल राइट है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगेन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स जो टाइम दिया है, आपको जो डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है आपको मीटर और सेकंड में, मिनट में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, क्लियर है, उसके बाद आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 84, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ़ कैट इज रिटन बाय 24 एंड सैट इज रिटन 24, देन हाउ शी इज विल बी रिटन। अगेन आप अगर सी 80, अगर इनके अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर कोड करेंगे, सी आता नंबर 3 पे, ए आता है 1 पे, और टी आता 20 पे, और जब 21 और 3 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह सैड की बात करूं तो अगर आप इनको भी ऐड करेंगे तो इनका भी टोटल जो समय 24 आएगा। अगर आप सी को ऐड करते हो फ्रेंड्स तो 84 का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, 32 इसका राइट आंसर होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 का, द पॉइंटर क्लासेस द्वारा जो हेल्ड किए गए,
इसमें आपसे पूछा गया है, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक हु इज शॉर्टर देन सुशील, निजा इज टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन हु इज टॉलेस्ट। आपने मुझे बताना है सबसे जो लंबा है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग की अगर दो स्टेटमेंट को निकालते हो ना और उसके बाद सीधा लास्ट में पढ़ते हो तो राइट आंसर आपको 100% रोशन ही आने वाला है। क्लियर है? तो आई होप आपने इस टेस्ट सीरीज को जिसने भी दिया था उनके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ठीक होंगे। ठीक है, अगर आपके आपके क्वेश्चन गलत भी हों तो डोंट नीड टू बी वरी, अभी आपके पास समय है, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अपनी स्टडी के ऊपर। क्लियर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप हमें पर्टिकुलर नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपको बता दूँ हमने क्रैश कोर्स जो है इसका लॉन्च कर दिया है, तो आप एनरोल हो सकते हैं इसमें भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और जानकारी चाहिए हमको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पर आपको पर्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं, आप इन किसी भी नंबर पर हमको व्हाट्सएप करके जो है किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज को परचेस करने की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो अगला हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो हेल्ड होगा 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगी मैं आपको बता दूंगा, डेफिनेटली दो क्या अराउंड ही रहने रहती है हमारी टाइमिंग, 2 से 3 के बीच में टेस्ट हेल्ड किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल होना चाहता है, ठीक है, और बाहर से भी कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोल हो सकता है, क्लियर है, तो आप हमें जो है 5 तारीख को 10 बजे तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको इस, अगर आपको इस आंसर की से लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।